बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं उत्तराम रोली आप देखना शुरू कर चुका है अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि आज की बड़ी खबर बांदा से आ रही है। बांदा उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जहां के नरेनी जो पुलिस थाना है उसके अंतर्गत आने वाले गांव पच्चोखरा के बाहर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति जो है वहां के पुराने मंदिर के पास में स्थित है। आपको बता दें कि इस मूर्ति को लेकर काफी ज्यादा साल हो गए और लगातार लोग यहीं पर बाबा साहेब अंबेडकर जी को श्रद्धापूर्वक याद करते आ रहे हैं। लेकिन कल देर रात अज्ञात व्यक्ति ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की इस मूर्ति को पूरी तरीके से आपको बता दें कि क्षतिग्रस्त कर दिया। करीब करीब आधा जो हिस्सा है वो मूर्ति का उन्होंने, जो आरोपी है उन्होंने तोड़कर फेंक दिया। आपको बता दें कि जो पूरा घटनाक्रम है वो उसका वीडियो आप मेरे साइड में देख पा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस मामले में आज सुबह जैसे ही ग्रामीण जो लोग थे वो आसपास के उन्होंने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो आसपास के इलाके के काफ़ी ज़्यादा लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के में विश्वास रखते हैं, साथ ही जो गांव के लोग हैं सर्व समाज के, वो भी आपको बता दें कि इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर ग्राम प्रधान ने लोगों को समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन लोगों ने मांग की कि जो आरोपी है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए राष्ट्रद्रोह का, और इसके साथ ही जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति है उसको इस स्थान पर नई मूर्ति है वो तुरंत लगवाई जाए। आपको बता दें कि मामला बढ़ता देख, लोगों की भीड़ बढ़ती देख ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने भी इस घटना का मुआयना लिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में तुरंत है वो FIR लिखकर हम इस मामले में आगे की कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि नई मूर्ति लगाने का भी आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़े जाने के जो मामले हैं वो सामने आते रहते। पिछले दिनों मध्य प्रदेश से भी ऐसा मामला सामने आया था जहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति को काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के नरेनी जो पुलिस थाना है उसके अंतर्गत आने वाले गाँव पच्चोखैर का है, जहाँ पर आपको बता दें कि काफ़ी पुरानी बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई थी और उसको कुछ अज्ञात लोगों ने आपको बता दें कि तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। वैसे आपको बताते हुए चले कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्तियां हैं वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा तोड़ी जाती है। इसकी एक वजह यह भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ शायद लगी हुई भी उत्तर प्रदेश में ही है, और उत्तर प्रदेश इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती रहती है। मिलेंगे इस नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आया। साथ ही आपको बता दें कि देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ साथ बहुजन समाज के हर एक जरूरी खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।